सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी और टारगेट के इस वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेद, उपवेद और वेदांगों के नामों को याद करेंगे इस फनी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं वेदों की। देखिए, वेद हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये सब जो हैं ये वेद हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जो याद करने का ट्रिक है सारी आयु। ठीक है, तो सा से हम याद रखेंगे सामवेद को, री से याद रखेंगे ऋग्वेद को, और आ से याद रखेंगे अथर्ववेद को, और य से याद रखेंगे यजुर्वेद को। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं उपवेद की। देखिए, उपवेद की बात करें तो उपवेद हैं गंधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और आयुर्वेद। तो ये सब जो हैं ये उपवेद हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जो याद करने का ट्रिक है वो है गंध सी आय। ठीक है, गंध सी आय, इस लाइन को आप याद रखिए, गंध सी आय। ठीक है, तो ग से हो जाएगा गंधर्व वेद, ग से हो जाएगा गंधर्व वेद, ध से हो जाएगा धनुर्वेद, सी से हो जाएगा स्थापत्य वेद और आय से हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, तो चलिए तो इस प्रकार से आप उपवेदों को याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब बात करते हैं वेदांगों की। देखिए, वेदांगों की बात करें तो वेदांग है निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो ये सब जो हैं ये वेदांग हैं। ठीक है, तो इसको जो याद करने का ट्रिक है वो है निशि कब जाय छ। ठीक है, निशि कब जाय छ, तो नि से हम याद रखेंगे निरुक्त को, सी से याद रखेंगे शिक्षा को, क से याद रखेंगे कल्प को, ब से याद रखेंगे व्याकरण को, और जाय से याद रखेंगे ज्योतिष को, और छ से याद रखेंगे छंद को। ठीक है, तो आप इस प्रकार से वेदांगों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, और यहाँ से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस प्रकार की और भी ट्रिक के चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।